अभी एक थ्योरम है, तो जीरो डिवाइजर्स इन जेड एन आर दोज एलिमेंट्स विच आर नॉट रिलेटिवली प्राइम टू एन। अब हमें जीरो डिवाइजर्स हमें पता है, तो जीरो डिवाइजर्स क्या होते हैं कि आपके पास कोई भी एक रिंग है आर, आपके पास कोई भी एक रिंग है आर, उसमें से ऐसे नॉन जीरो एलिमेंट्स कलेक्ट कीजिए, मैंने ए ले लिया, बी ले लिया, सच दैट ए डॉट बी आना चाहिए जीरो। तो हम उस एलिमेंट्स को हम कहेंगे जीरो डिवाइजर्स, ठीक है। तो जीरो डिवाइजर्स जेड एन के अंदर, जेड एन हमें एक रिंग है, हमने देखा है, वो एलिमेंट्स वो होंगे जो रिलेटिवली प्राइम नहीं है एन के साथ, जो रिलेटिवली प्राइम नहीं है एन के साथ। हमने देखा ये थ्योरम का नीड क्यों पड़ा, प्रीवियस एग्जांपल आप देख सकते हैं, उस वो एग्जांपल से हमें पता चला कि हाँ हमें कुछ होना चाहिए, तो वहाँ से हमें नीड पड़ा कि हाँ ये थ्योरम आना ही चाहिए। और हमने ये भी देखा था कि जेड एन के साथ अगर हमने वो एलिमेंट्स कलेक्ट किए विच आर रिलेटिवली प्राइम, तो वो एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, वो एलिमेंट्स को हम बोलते हैं यूनिट्स, वो एलिमेंट्स को हम बोलेंगे यूनिट्स, क्यों, हर एक एलिमेंट का एक इन्वर्स एग्जिस्ट होता है, तो वो हो गए यूनिट्स। तो बस यहाँ पे अगर नॉट कंडीशन आ गई, इसी थ्योरम के अंदर नॉट कंडीशन आ गई, तो वो एलिमेंट्स बन जाते हैं जीरो डिवाइजर्स, अगर नॉट हटा दिया जाए जेड एन के अंदर, तो वो एलिमेंट्स बन जाते हैं विच आर रिलेटिवली प्राइम, जो रिलेटिवली प्राइम है एन के साथ, वो एलिमेंट्स बन जाते हैं यूनिट्स, वो एलिमेंट्स हमने कंसिडर किए जो रिलेटिवली प्राइम नहीं है, तो वो बन जाते हैं जीरो डिवाइजर्स। तो चलिए इसका प्रूफ करते हैं। सबसे पहले हमें पता है जेड एन कैसा दिखेगा, जेड एन के अंदर होगा 0 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, डॉट 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 अप टू n-1 बार, ठीक है। ये एक क्या है, ये एक रिंग है, ठीक है। चलिए इसमें से एक एलिमेंट ले लेते हैं, लेट m बिलोंग्स टू जेड एन, सच डैट m क्या नहीं होना चाहिए, इज नॉट रिलेटिवली प्राइम, एम रिलेटिवली प्राइम नहीं होना चाहिए। अगर एम रिलेटिवली प्राइम नहीं है, तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग एम का क्या होना पड़ेगा, जीरो डिवाइजर हमें प्रूफ करना है ना, यही प्रूफ करना है। तो अगर मान लीजिए हमने एक एलिमेंट ले लिया जेड एन में से, प्रूफ क्या करना है, आप ऐसे एलिमेंट्स कलेक्ट करो जो रिलेटिवली प्राइम नहीं है, तो उसको बोलेंगे हम जीरो डिवाइजर, तो बोलेंगे ना। तो हमने ले लिया एलिमेंट, हमने एलिमेंट ले लिया एम जो रिलेटिवली प्राइम नहीं है, तो अभी प्रूफ क्या करना है, एम को जीरो डिवाइजर बनना पड़ेगा, तो हमें ये प्रूफ करना है। तो ले लिया एक एम ले लिया जो रिलेटिवली प्राइम एम के साथ नहीं है, एन के साथ रिलेटिवली प्राइम नहीं है, मतलब उनका जीसीडी 1 नहीं है, तो जीसीडी ऑफ एम और एन 1 नहीं है, और कोई कुछ और हो सकता है, लेट अनदर डिजिट इंटीजर डी सच दैट डी इज ग्रेटर देन 1, ऑब्वियसली 1 नहीं है तो कोई ना कोई बड़ा ही ये होगा उनका, ठीक है। तो कंसिडर, आप मुझे बताइए एम अपॉन डी इंटू एन इज इक्वल टू 0, पहले बात बताओ एम अपॉन डी एक इंटीजर बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा, क्योंकि डी उसका जीसीडी है, जीसीडी है मतलब क्या, डी डेफिनेटली अच्छे से डिवाइड करेगा एम को और अच्छे से डिवाइड करेगा एन को, ठीक है। अगर मैं बात करूँ 4 ले लिया और 6 ले लिया, इन दोनों का जीसीडी हमें पता है 2, इसका मतलब क्या, 2 डिवाइड करता है 4 को और 2 डिवाइड करता है 6 को, ठीक है। इसी तरह ये मतलब 2 डिवाइड करता है 4 को, मतलब क्या, एक परफेक्ट अच्छा सा इंटीजर मिलेगा 3, यहाँ 2 मिलेगा और यहाँ पे हमें मिलेगा 3, तो ये एक अच्छा सा इंटीजर है, ठीक है, इंटीजर है, और उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं एन से, और यहाँ पे क्या चल रहा है, मॉडुलो एन चल रहा है, ठीक है। आप मैंने ले लिया जेड 4, ठीक है, मैं आप मुझे बताओ 4 × 3 कोई भी एलिमेंट्स 4 से आप मल्टीप्लाई करो, क्योंकि 4 है, 4 से मल्टीप्लाई करो और मॉडुलो 4 चल रहा है, 4 × 3 = 12, ऑब्वियसली 4 से तो डिवाइड करेगा ही ना, क्योंकि और रिमाइंडर कितना आने वाला है, 0 आने वाला है, क्योंकि मॉडुलो चल रहा है। तो कोई भी आप ले लो मल्टी, कोई भी ले लो एन के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो डेफिनेटली 0 ही आने वाला है। तो मैंने कंसिडर किया एम अपॉन डी इंटू एन इज इक्वल्स टू 0, इसको ऐसा लिख सकते हैं एम इंटू एन अपॉन डी इक्वल्स टू 0, मल्टीप्लीकेशन चल रहा है भाई, यूजुअल है, घर स्कूल में जैसा करते वैसे ही है, क्योंकि वही वाला मल्टीप्लीकेशन है, ये कोई बाइनरी ऑपरेशन तो है नहीं। तो ये हो गया एम इंटू एन अपॉन डी इक्वल्स टू 0, इसका मतलब क्या, एम के लिए एक नॉन जीरो एलिमेंट है, एम बिलोंग्स टू एन विच इज नॉट रिलेटिवली प्राइम टू एन, और एन अपॉन डी एक इंटीजर है, एन अपॉन डी डेफिनेटली वो सेट में आएगा ही, क्योंकि डी डिवाइड करता है एन को, क्योंकि जीसीडी है, और एन अपॉन डी 0 नहीं होगा, ठीक है। तो एम इंटू एन अपॉन डी इक्वल्स टू 0, इसका मतलब क्या, नॉन जीरो एलिमेंट, नॉन जीरो एलिमेंट दोनों उस सेट के अंदर आते हैं, एम भी उसके अंदर आता है और एन अपॉन डी ये भी उसके अंदर आता है,
ये दोनों क्या बन गए, जीरो बन गए। तो एम इज अ जीरो डिवाइजर, एम इज द जीरो डिवाइजर ऑफ जेड एन। अगर जो हमारा m था वो इज़ नॉट रिलेटिवली प्राइम, वो रिलेटिवली प्राइम नहीं था विद n के साथ, अगर वो रिलेटिवली प्राइम नहीं है n के साथ, तो उसका मतलब n जो होगा वो जीरो डिवाइज़र होगा। अगर क्या हो, अगर m रिलेटिवली प्राइम होगा n के साथ, अगर हम वो केस भी तो देखना पड़ेगा ना, हमने वो केस उठाया है जिस केस में m रिलेटिवली प्राइम नहीं था। अगर रिलेटिवली प्राइम होगा तो फिर क्या होगा, तो हमें वो देखना पड़ेगा। इफ़ m इज़ रिलेटिवली प्राइम, इफ़ m इज़ रिलेटिवली प्राइम विद n, तो उस टाइम पे हमें प्रूफ करना होगा विद एन, तो हमें उस टाइम पे प्रूफ करना होगा, देन वी हैव टू शो डैट, देन वी हैव टू शो डैट, देन वी हैव टू शो डैट एम इज़ नॉट जीरो डिवाइजर। तो थ्योरम के अकॉर्डिंग हमें इसे क्या प्रूफ करना पड़ेगा, एम इज़ नॉट अ जीरो डिवाइजर, तो हमें ये प्रूफ करना होगा। तो इसको हम प्रूफ करेंगे बाय कॉन्ट्रडिक्शन। तो मान लेते हैं एम क्या है, जीरो डिवाइजर है, तो लेट एम बी अ जीरो डिवाइजर। एम जीरो डिवाइजर है मतलब क्या, एम नॉन जीरो होगा पहली बात, और दूसरा देयर एग्जिस्ट एस बिलोंग्स टू जेड एन सच दैट एम इंटू एस इज इक्वल्स टू जीरो होगा, और एस क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। तो ये कंडीशन है, ये कहाँ से कंडीशन आई, बिकॉज बाय डेफिनेशन ऑफ जीरो डिवाइजर। तो हमने कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूफ करना है, हमने मान लिया एम क्या है, जीरो डिवाइजर है, हमने वो मान लिया एम जीरो डिवाइजर है, और ऊपर से क्या गिवन है, एम इज रिलेटिवली प्राइम विद एन, इसका मतलब क्या, एम और एन का जीसीडी कितना है, वन है। ठीक है, बाय यूक्लिड्स लेमा, बाय यूक्लिड्स लेमा लगाएंगे हम यहाँ पे यूक्लिड्स लेमा। सो एन जो है वो एम एस को डिवाइड करेगा, क्योंकि एम एस क्या मल्टीपल ऑफ एन है, क्योंकि यहाँ जीरो मिल गया, तो एन डिवाइड्स एम एस, और एन और एम का जी सी डी कितना है, वन, बाय यूक्लिड्स लेमा। तो एन डेफिनेटली किसको डिवाइड करेगा, एस को डिवाइड करेगा। ठीक है, एन एस को डिवाइड कर रहा है, हाँ एन एस को डिवाइड कर रहा है, और एम नॉन जीरो है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट हमें जीरो चाहिए, इसका मतलब क्या, एस को जीरो होना पड़ेगा। सो एस इक्वल टू जीरो, विच इज़ कॉन्ट्रडिक्शन, एस हमारा क्या है, नॉन जीरो है, क्योंकि यहाँ पे एम इंटू एस जीरो आ रहा है, तो विच इज़ कॉन्ट्रडिक्शन। तो एस क्या है हमारा, नॉन जीरो है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं एम इज़ नॉट अ जीरो डिवाइजर। सो एम जीरो डिवाइजर कब बनेगा, जब एम इज नॉट रिलेटिवली प्राइम विद एन, जब वो रिलेटिवली प्राइम नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि हमने लिया जेड नाइन, तो जेड नाइन में हमें पता है जीरो बार, वन बार, टू बार, डॉट 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 अप टू एट बार। तो इसके अंदर जीरो डिवाइजर्स वो एलिमेंट्स होंगे जो रिलेटिवली प्राइम नहीं होंगे, तो वो बन जाएंगे हमारे जीरो डिवाइजर्स। जीरो डिवाइजर का सेट ले रहे तो वो बन जाएंगे हमारे, एक तो होगा थ्री, एक होगा सिक्स, एक होगा थ्री सिक्स एट, नहीं हो सकता, बस यही दो होंगे, थ्री एंड सिक्स, क्योंकि ये दो एलिमेंट्स जो ऐसे हैं जो नाइन के साथ नॉट रिलेटिवली प्राइम नहीं है, उनके साथ उनका जीसीडी वन नहीं आता। थ्री और नाइन का जीसीडी देखेंगे तो थ्री आता है, सिक्स और नाइन का जीसीडी देखेंगे तो भी थ्री आता है, तो इनका रिलेटिवली प्राइम ये नहीं है, बाकी हर एक के साथ वो रिलेटिवली प्राइम है।